दोस्तों, यदि आप भी घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से एक न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वॉच करना। आज की इस वीडियो में आपको ऑनलाइन न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नया वोटर कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आ जाने के बाद मैं आपको सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे होम पेज पे अगेन आ जाना है। इसके बाद में आपको सिंपली लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यूजर नेम यहाँ पे अपना क्रिएट किया होगा आपको सिंपली उसे यहाँ पे फिलअप कर लेना है एंड अपना पासवर्ड आपने जो भी बनाया होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो हम सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है जो कि आपका यूजर नेम होगा एंड आपने जो भी पासवर्ड ओटीपी फिलअप करने के बाद में बनाया होगा इंटर करेंगे। कैप्चा कोड आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रजिस्टर एज अ न्यू वोटर। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है तो आपके वोटर कार्ड के लिए यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे, आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट रहने देते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे न्यू वोटर कार्ड के फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको आपके स्टेट का सिलेक्शन यहाँ से कर लेना होगा। इसके बाद में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली अपना विधानसभा नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना होगा एंड विधानसभा क्षेत्र को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपके क्षेत्र में विधानसभा नहीं है तो आप यहाँ पे संसदीय क्षेत्र को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है तो कुछ अदर डिटेल यहाँ पे इंटर कर लेनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले आप जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, सरनेम आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली जिसका भी वोटर कार्ड आप यहाँ से अप्लाई करेंगे उसका एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जिसके लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है एंड उसका रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फादर मदर जो भी होगा उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आप जिसका भी रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका फर्स्ट नेम एंड सरनेम यहाँ पे इंटर कर लेना होगा तो हिंदी में नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर कर लेनी होती है, जिसमें कि सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर का सिलेक्शन कर लेना है। आप जिसका भी मोबाइल नंबर इंटर करें वो सेल्फ का है या फिर कोई रिलेटिव का है तो आप उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड ओटीपी को आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी इंटर कर लेनी होगी, जिसके लिए आप सेल्फ या फिर रिलेटिव वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर लेनी होगी। इसके बाद में आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल फिलअप कर लेनी है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में आपको सिंपली जेंडर का सिलेक्शन कर लेना होगा, मेल फीमेल जो भी होगा आप उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। जैसे आप इतनी डिटेल फिलअप कर लेते हैं अगेन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। आप दिन और मंथ और ईयर यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं बर्थ प्रूफ के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर लेना होगा। इसके बाद में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सिंपली डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। इसके बाद में अगेन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है तो आपके प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जिसमें आप बिल्डिंग नेम इंटर करेंगे, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, एरिया, आपको सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी होगी। इसके बाद में आप अपने एरिया का पिन कोड नंबर आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे, तहसील का नेम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना होगा। इतनी डिटेल फिलअप कर लेने के बाद में आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है तो आपके यहाँ पे अदर डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट फिलअप करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यदि आप विकलांग हैं तो आप उसका सिलेक्शन यहाँ से अपने
अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे एंड उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी होगी। इसके बाद में आपको आपका विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेना होगा, जिसके लिए भी आप यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई होप आप ये सारी डिटेल आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी फैमिली मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जिसकी मदद से आपका वोटर कार्ड और भी जल्दी यहाँ पे बन के आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे फैमिली मेंबर का नेम इंटर करना है, रिलेशन सेलेक्ट करना है एंड उसका एपिक कार्ड बना हुआ है, यदि वोटर कार्ड बना है तो उसका नंबर आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो आपको सिंपली अपने एड्रेस की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, जैसे विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे एंड आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं उसका मंथ और ईयर आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली डिक्लेरेशन फॉर्म की डिटेल फिलअप कर लेनी है, प्लेस का इंटर आपको यहाँ पे कर लेना होगा। इसके बाद में डेट आपको देखने को मिल जाएगी जिस भी डेट को आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना होगा। इसके बाद में आप चाहें तो प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल सही होने के बाद में आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगी एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेव हो जाएगी एंड आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, अपना रेफरेंस नंबर एंड स्टेट का सिलेक्शन आपको कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपना एपिक कार्ड यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली अपना एपिक कार्ड नंबर इंटर करेंगे या फिर रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद में आपको स्टेट का सिलेक्शन कर लेना होगा। सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वोटर कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।